सो हमने ये देखा था कि कैसे हम एक डैशबोर्ड क्रिएट करते हैं। आप सब लोग फिर से एक बार देख लो कि देखो मैंने मार्जिन कितना कम छोड़ा है। आप लोगों ने किसी ने तो इतना छोड़ दिया है, इतना इतना छोड़ रखा है, इतना इतना छोड़ रखा है जगह। तो ये चीज़ें मायने रखता है डैशबोर्ड। डैशबोर्ड का मतलब प्रेजेंटेशन होता है, सजना संवरना होता है। तो डेटा को प्रेजेंटेबल बनाना होता है। तो इसमें इस छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान रखिएगा जिसने जो जो गड़बड़ कराया है। देखो मैं क्या करता हूँ, चलो एक क्वेश्चन ही पूछ लेता हूँ पहले, है ना। राहुल देख रहा है मेरे तरफ, क्वेश्चन अब मेरे से ही पूछा जाएगा। हाँ राहुल आप ही बताओ, जैसा ये सीट है एकदम टू कॉपी, मेरे को एक ऐसा ही डैशबोर्ड का सीट और चाहिए बगल में, क्या करेंगे? एकदम आसान क्वेश्चन। कैसे, किसको कॉपी करेंगे? आपको, मेरे को, डेटा को, चार्ट को, नंबर को, किसको? कैसे? कंट्रोल सी दबा दिया। लो और ट्रेनर, कंट्रोल प्लस ए करके कंट्रोल सी से कॉपी कर दिया और फिर नेक्स्ट शीट में जाके फिर पेस्ट कर देंगे ऐसा। ये नहीं, यही चाहिए, ठीक है, ये चाहिए, बिल्कुल ऐसा बन गया, है ना। एक और ऑप्शन होता है, राइट क्लिक करके बताया था, जब पहला ऑप्शन पहला दिन पढ़ाया था, मूव और कॉपी और क्रिएट ए कॉपी, तो बिल्कुल डुप्लीकेट सीट बन जाती है, याद आया। इसमें क्या होता है, साइज वगैरह भी वही रहता है जहाँ पे आपने सेट किया। इस वाले में जब कॉपी पेस्ट करते हो तो देखो ये इतना बड़ा साइज में जाके पेस्ट हुआ था। जब हम जिस एंगल से या जिस लेवल पे हम लोग इसको पेस्ट करते हैं उसी पेस्ट पे रहता है। तो दोनों में थोड़ा सा फर्क है, दोनों कॉपी पेस्ट ही है, ठीक है। आइए, तो ये डैशबोर्ड हमने क्रिएट किया था शुरू में। अब हम डैशबोर्ड टू में जाते हैं और डैशबोर्ड टू को नाम दे देते हैं ट्रैफिक सिग्नल डैशबोर्ड, ठीक है। हम ट्रैफिक सिग्नल डैशबोर्ड का यूज करेंगे। हमने क्यों बोला था कि इस पार्ट को स्ट्रांगली आपको यूज करना है, इसीलिए क्योंकि इस पार्ट को कर लोगे तभी आगे का डैशबोर्ड इजी लगेगा, नहीं तो एक ट्रैफिक सिग्नल बनाने में आपको आधा घंटा लगेगा, एक घंटा लगेगा। वैसे आपको रोज बनाना चाहिए, जैसे ये चीज़ें अभी चार दिन तक लगातार बनाओ ताकि जहाँ जहाँ पे कमी है वो एकदम से याद हो जाए। और मैंने क्या किया, वो टाइम बचा के मैं सिर्फ ट्रैफिक सिग्नल पे कंसंट्रेट करूँगा। मैं थोड़ा सा इसको इधर कर देता हूँ, थोड़ा सा इसको इधर कर देता हूँ, इसको पकड़ के थोड़ा सा इधर कर देता हूँ, यहाँ पर ये देखा मेरे पास इतना सा जगह मिल गया, बस इतना ही जगह चाहिए, बाकी सब कुछ हो ही। ट्रैफिक सिग्नल कॉन्सेप्ट के लिए आप कर सकते हो कि इतने दूर को ब्लैक कलर डाल दो, क्योंकि इस पे ट्रैफिक मतलब जो लाइट जलाओगे तो दिखिएगा, क्लियर है। रिकॉर्डिंग तो चालू है ना। अब आपको सबसे पहले ट्रैफिक सिग्नल का यूज परफॉर्मेंस एनालिसिस के लिए किया जाता है। अगर मान लो कि यहाँ पे बताया जाए, आपको एक पैरामीटर दिया गया है कि अगर किसी की परफॉर्मेंस ग्रेटर देन 75 होता है तो उसका सिग्नल जो हो ग्रीन जलना चाहिए, 50 से 75 के बीच में हो तो उसका येलो जलना चाहिए, और लेस देन 50 है तो उसका रेड जलना चाहिए, ऐसा ऐसा कंडीशन चाहिए। अब इस कंडीशन को बनाने के लिए भी हमें फॉर्मूले की ज़रूरत पड़ेगी, और फॉर्मूले की ज़रूरत पड़ेगी, देखो एवरेज मैंने लिया था अलग से। मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर किसी की एवरेज परफॉर्मेंस 50 और 75 के बीच में तो सिग्नल येलो जलना चाहिए, ये 75 के ऊपर अगर जाता है, अभी तक तो गया नहीं, कोई है भी कि नहीं, कोई नहीं है,
तो इसको चेंज कर देते हैं हम 70 कर लेते हैं और इसको 70 कर लेते हैं, हो गया। 70 से ज़्यादा किसी की परफॉर्मेंस हो तो ग्रीन सिग्नल जलने चाहिए। अब यहाँ पे एक सिंपल फंक्शन लगाएंगे, इफ ये वाली वैल्यू, इसकी जरूरत पड़ेगी हमें, अगर ये वाली वैल्यू ग्रेटर देन 70 होता है तो क्या हो, ग्रीन। बट ग्रीन मत लिखना, आप एक इक्वल टू साइन ले आना, अदरवाइज ब्लैंक। क्या करोगे, हम चाहते हैं कि या तो इक्वल टू साइन आए या तो ब्लैंक हो जाए, समझ में आए। तो ब्लैंक क्यों हो गया, क्योंकि 70 से ज़्यादा है ही नहीं। जैसे इसमें 70 से ज़्यादा आएगा तो देखोगे यहाँ पे इक्वल टू विजिबल हो जाता है। सेम उसी तरीके से एक फंक्शन लेस देन पे लगाएंगे, इफ दिस वैल्यू इज लेस देन 50 तो इक्वल टू साइन आ जाए, नहीं तो नहीं आए। ये बात समझ में आई कि अगर कोई 50 के नीचे जाएगा किसी का परफॉर्मेंस ये, तो यहाँ पे यानी कि 50 से कम वाले में यहाँ दिखेगा और 70 से ज़्यादा में यहाँ दिखेगा। अब ये है असल क्वेश्चन जो आपकी टेस्ट है। अब बताओ कि अगर 50 से 70 के बीच में होगा तो इक्वल टू आए, इसका आंसर प्रेरणा कैसे, कौन सा इफ लगाएंगे, क्या लगाएंगे जिससे कि 52 70 के बीच में हो तो इक्वल आए। हाँ मतलब नेस्टेड इफ तो लगाएंगे, लेकिन सवाल ये भी तो उठता है कि कैसे, इफ एवरेज ग्रेटर देन 50 कॉमा इन्वर्टेड कॉमा इक्वल्स टू क्लोज, फिर से इफ लगेगा। अच्छा पहले यहाँ पे क्लोज कर दो फिर इफ लगाओ, यानी कि खिचड़ी पक गया ना, हो गया गलत हो गया, इतना काफ़ी है, रिकॉर्डिंग मोड में है तो आप देख लेना कि आप कितना सही बता रहे हो। ऋषभ इक्वल्स टू इफ कर लिया, ग्रेटर देन इक्वल टू 50 होगा, हाँ मान लिया। उसके बाद कॉमा इक्वल्स टू आई, एक और एफ लगेगा, सेलेक्ट कर लेंगे डिसाइड कर लो, ग्रेटर इक्वल 70 लेस देन इक्वल टू 70 लेस देन इक्वल टू 70 ऐसा, तो फिर कॉमा इक्वल टू अदरवाइज ब्लैंक ऐसा मिल गया रिकॉर्डिंग मोड में आपका आंसर। चलिए और कोई है, महेश आप बता दो, महेश इक्वल्स टू इफ Average.
मतलब फिर तो वहीं पे पहुंच रहे हो। चलो गलत बताओ। संगीता हो गया मन में ही गलत, क्योंकि कुछ सोच ही नहीं पा रहे हैं। इतने देर से आधे घंटे से मौका दिए सोचने का, जो सोचो जल्दी बोलो। चलो लास्ट वही तो ग्रेटर देन हो जाएगा तो 80 भी हो जाएगा, ये तो सोचना है। चलो सारे लोग गलत हो गए, अब आपके साथ एक ही गौरव जी उम्मीद है बता देंगे। यस गौरव, इफ एवरेज वैल्यू सेलेक्ट करेंगे ग्रेटर देन इक्वल्स टू 50 कॉमा डबल कोटेशन में इक्वल्स टू देन फर्स्ट वैल्यू के लिए फिर से एक इफ लगाएंगे, इफ लगा देंगे देन एवरेज वैल्यू सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट कर लिया लेस देन इक्वल टू 70 अगर ट्रू है तो डबल कोटेशन में इक्वल डबल कोटेशन में इक्वल अदरवाइज ब्लैंक अदरवाइज ब्लैंक ऐसा एक बार और इक्वल लगेगा वो एक बार डबल टू डबल कोटेशन चलो लगेगा। क्या एग्जैक्टली देखो प्रॉब्लम क्या हुआ, 54 है तब भी पर बीच में और 62 है, 27 है तो ये भी रह गया और ये भी रह गया, अरुणा है तो फिर ये रह गया, टीना है, रीना है, सुनील है, आदेश है, प्लस अब ये भी रह गया, ये भी रह गया, यानी कि ये भी आंसर इसको और सही गलत। यस और से बनेगा जहाँ पे दो इफ के बाद लगाओगे सबसे पहले बिटवीन के लिए एंड का यूज करते हैं ना, इन बिटवीन वही तो है कि दो कंडीशन या तो इससे ज्यादा इससे कम, देखते हैं लगा के। इफ एंड दिस वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 50 एंड अंदर ही चलता है ना, एंड दैट इज लेस देन इक्वल टू 70 तो बिटवीन में हमेशा एंड का यूज होता है। अब तो इक्वल्स टू आए नहीं तो नहीं आए, ये होना चाहिए। ठीक है अब देखो एक ही चलेगा, कभी भी कुछ भी सेलेक्ट करोगे तो एक ही चलेगा, दो नहीं चलेगा, जैसे अभी दो दिखा रहा था क्योंकि वो ऐसा होता ही नहीं है। बिटवीन के कंडीशन के लिए रेंज के लिए बताया था ना कि और एंड का यूज होता, तो वहां पे और एंड का कॉन्सेप्ट चलेगा। तो देखो ये वाला तो बहुत इजी था, ये वाला बहुत इजी था, ये वाले पे जैसे हमने आपको फोकस करवाया तो इस फंक्शंस को याद रखिएगा कि इफ के साथ एंड यानी नेस्टेड इफ का या मिक्स्ड इफ का यूज हुआ है, इसी को तो नेस्टेड फॉर्मूला बोलते हैं। चलो अब हमें इक्वल टू तो पता चल गया कि इक्वल टू तीन में से कोई ना कोई इक्वल मिलेगा, इसके बाद थोड़ा ध्यान से देखिए हम थोड़ी देर के लिए देखो ध्यान से देखना, यहाँ पे इंसर्ट में जाएंगे और एक शेप हम लोग लेते हैं, कोई भी शेप ले सकते हैं बट रेक्टेंगल शेप लेंगे। ठीक है रेक्टेंगल शेप लेने के बाद ये जो फॉर्मूला बार होता है इसमें इक्वल टू करके पहला वाला फॉर्मूला को कनेक्ट कर देंगे, तो जो इक्वल यहाँ दिखता है वो एक्चुअल यहाँ भी दिखेगा, अगर वहाँ पे इक्वल नहीं है यहाँ पे नहीं है तो ये ब्लैंक हो जाएगा। देख रहे हो जैसे मैं एलिना करता हूँ तो इक्वल दिखने लगता है, अनुप्रिया करता हूँ तो गायब हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो इक्वल होगा उसी का रिफ्लेक्शन यहाँ पे होगा। अब इसको थोड़ी से मॉडिफाई करेंगे, बीच में ले जाएंगे, अलाइनमेंट ठीक करेंगे। ये एक इक्वल टू एक फॉन्ट है जो हम लोग कैलिबरी टाइम्स न्यू रोमन में इक्वल बोलते हैं, उसी को एक फॉन्ट होता है बेवडिंग, कि वेबडिंग में ले जाओगे तो वेबडिंग में इक्वल टू को सर्कल में चेंज कर देता है। चूंकि ये एक फॉन्ट है, चूंकि ये फॉन्ट है तो इसकी साइज भी
इसी से इंक्रीज होगा या बढ़ेगा, क्योंकि ये एक फॉन्ट है, इसका कलर भी इसी से कंट्रोल होगा। यानी कि अगर आप चाहते हो कि ग्रीन कलर हो तो ग्रीन में बढ़िया एक कलर ले लेते हैं। अब ध्यान देंगे कि अगर मैं ब्रजेश करता हूँ तो देखो ऑफ हो गया, और एलिना करता हूँ तो ऑन हो गया, अनुप्रिया करता हूँ तो ऑफ हो गया, और प्रशुन करता हूँ ऑन हो गया। बात समझ में आ रही? इक्वल टू यहाँ दिखेगा तभी यहाँ पे सर्कल वाला लाइट जलेगा, बट ये जलने वाला इम्पैक्ट लग रहा है आपको? नहीं, इसको सेलेक्ट करो, ये एक शेप ही तो है। शेप में जाके सबसे पहले ये जो ब्लू कलर है इसको हटाओ, तो शेप फील्ड में जाके नो कलर कर दो। ये लाइन तो दिख रहा होगा ब्लू कलर का, लाइन में जाके बोल दो कि मेरे को लाइन नहीं चाहिए। अब थोड़ा सा ज्यादा अच्छा लगेगा। देखो प्रसून आदेश ऑफ ऑन ऑफ ऑन, बट अभी भी लाइट वाला मजा नहीं आ रहा। नहीं, इसको सेलेक्ट करोगे, चूंकि ये फॉन्ट है तो टेक्स्ट इफेक्ट नाम का ऑप्शन मिलेगा जिसमें आपको ग्लो डालना है, जो किसी ने अपने डैशबोर्ड में ही ग्लो डाल दिया था, किसी ने अपने शायद ग्लो डाला था, किसने डाला था आप भी अभी अभी जो डैशबोर्ड देख रहे थे बीच वाले चार्ट में ग्लो डाल दिया था महेश ने, वो ग्लो नहीं डालना था क्योंकि वो टेक्स्ट के लिए होता है। नहीं, लिपस्टिक कहाँ के लिए यूज होता है? लिप के लिए। अब उसको आंख पे लगाओगे तो भूत भूतनी ही लगोगे ना, या बंदरिया लगोगे, और आंख वाली चीज को ओट पे लगा लोगे। अच्छा, लगाया जाता है? हे भगवान बचाओ, आई शेडो उसको बोलते हैं। अच्छा, इतना नहीं पता, क्या बात है, चलो बढ़िया बात है। तो ये समझ में आया? देखो अब आपको लाइट जलता है ना तो बड़ा अच्छा सा फील होगा। अब देखो थोड़ा सा टेक्निक इसके बाद का, इसकी कॉपी तीन बना लेंगे और तीन सेट कर देंगे ऐसे ऊपर नीचे। पहला ग्रीन जला, दूसरा येलो जलाना है, लेकिन दूसरा जो फंक्शन हमने यूज किया है, देखो पहला फंक्शन हमने यूज किया है M3 में, और दूसरा N4 में, और तीसरा N5 में। इसकी एड्रेस चेंज कर देंगे, 4 कर देंगे, 4 करते ही गायब हो जाएगा। इसको 5 कर देंगे, 5 करते ही गायब हो जाएगा। लेकिन जैसे ही कोई ऐसा बंदा जिसका परफॉर्मेंस बीच में है तब ये वाला दिखेगा, बट इसकी फॉर्मेटिंग दोबारा से ठीक करना पड़ेगा। फॉन्ट का नाम वेबडेन, साइज 44 हमने लिया था, तो सबका साइज सेम ही रखना, और कलर येलो रखिएगा। जब कलर येलो है तो बाहर का शेडो ग्रीन थोड़ी ना होना चाहिए, तो शेप इफेक्ट में जाके इसको भी आप येलो कर दो। बात खत्म। अब आ जाओ नीचे, कोई ऐसा बंदा जिसकी परफॉर्मेंस पुअर है तो अपने आप दिखेगा ये, इसको क्या चेंज करेंगे? वेबडिंग, कहाँ साइज होगा 44, कलर क्या होगा? रेड, जैसा डिमांड है। और इस जब रेड जलता है तो इफेक्ट भी रेड वाला ही होना चाहिए। दैट्स इट, बन गया। अब आ जाओ इधर। अब किसी भी एक बंदे की परफॉर्मेंस अगर आप देखना है तो क्लिक करोगे और उसकी परफॉर्मेंस आपको सामने दिख जाएगा। मीडियम वाले बहुत सारे लोग हैं एज पर दिस डेटा। अगर हम लोग डेटा चेंज कर दें थोड़ा सा, कुछ को पूरा, ये जो एवरेज वैल्यू है ना ये जा रहा है हमारा 27 का, तो ये ठीक है। इसको जो है ना टॉप पे ले जाते हैं, 61 पे है ना, इसको हम 90 कर दें और इसको भी 90 कर दें, तो मेरे समझ से ये 70 प्लस हो गया है। अब कुछ को हम नीचे जाते हैं, टीना अभी है ये 51, इसको कर दो 12। ये सिर्फ हम कर रहे हैं, आप मत करना, मतलब किसी का ओरिजिनल में स्कोर चेंज मत करना, ये तो जस्ट एक विजुलाइजेशन के लिए कि हमारे पास कुछ बड़े डेटा हो कुछ छोटे डेटा।
ये 70 प्लस ऑलरेडी है, इस बीच में सुनील का कर देते हैं 70 प्लस 61 है, अगर इसको 99 कर दें और इसको 78 कर दें और 35 को भी 100 में 100 कर दें, ये 70% तो पहुंच ही जाएगा मामला। हाँ अब आइए, अब हमें इस डैशबोर्ड में थोड़ा डाउन का भी मजा आएगा और अप का भी मजा आएगा। देखिए ब्रजेश मीडियम, राज तुरंत चेंज होते दिख रहा है, मीना तुरंत, ये बार बार चेंज होगा, मतलब वो तो जब ओरिजिनल डेटा होगा तो ओरिजिनल डेटा के हिसाब से आप चेंज करो। यहाँ तक बात समझ में आई? बात यहीं पे ख़त्म नहीं होता है, और भी है आगे। आप ऐसा करो कि एक लाइट के बजाय 3-4 लाइट जलाओ, और भी इफेक्टिव लगेगा। तो इसकी कॉपी पेस्ट ही तो करना है। 3 लाइट हमें लगता है कि सफिशियंट रहेगा जिस साइज का आपने बनाया है। अगर ये 44 साइज का नहीं रहता, 35 या 40 के आसपास होता, तो उसमें 4 लाइट जला सकते, तो 3 ही लाइट जलाओ, हो गया। एक और आ जाओ, बस इसको यहाँ पे सेट कर दो, काफ़ी खूबसूरत लगेगा आपको इफेक्ट इसका। एक येलो वाले में आ जाओ, एक ऊपर डाल दो और एक नीचे डाल दो, अब क्या होता है कि जो भी कलर है प्रॉपरली सारे चेंज होते हैं, तो काफी अट्रैक्टिव और थोड़ा बड़ा बड़ा सा लगता है, तो इसको बोलते हैं ट्रैफिक सिग्नल कॉन्सेप्ट। परफॉर्मेंस एनालिसिस जो आप रिपोर्ट बनाओगे, कभी डैशबोर्ड बनाओगे, उसमें ये छोटा सा पार्ट ऐड कर दो तो बहुत सुंदर हो जाता है, बहुत प्यारा लगेगा आपको। देखिए यहाँ पे डैशबोर्ड मैंने टाइप किया है गूगल पे, एक भी डैशबोर्ड में देखोगे ट्रैफिक सिग्नल नहीं दिया है, एक में भी ट्रैफिक सिग्नल नहीं दिया है, जबकि ट्रैफिक सिग्नल का अच्छा खास कहीं ना कहीं तो हो ही सकता है कोई ना कोई, तो लेकिन ट्रैफिक सिग्नल को इसी ने नहीं दिया है। अगर ढूंढोगे तो एक आध मिल जाएगा, मतलब सोचो कि कितना रेयरली लोग इस कॉन्सेप्ट को जानते हैं। जबकि इस तरह के मैक्सिमम डैशबोर्ड हम लोग एक्सेल में बना सकते हैं, अगर हमें पूरा कॉन्सेप्ट, हाँ ये कॉम्प्लिकेटेड होता है और पावर बीआई के अंदर बहुत इजीली बनता है, यूं मिलता है क्योंकि उनके टेम्पलेट्स होते हैं, बस डेटा डाला और आपको टेम्पलेट्स चूज करना है। तो पावर बीआई में और टैबलू में डैशबोर्ड्स काफी अच्छे बनते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हो कि ट्रैफिक सिग्नल का एक भी डैशबोर्ड यहाँ पे नहीं है, लेकिन कभी कभी आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन देखो कि ये बिल्कुल अलग कॉन्सेप्ट है और काफ़ी खूबसूरत कॉन्सेप्ट है। तो मैं आपको 10-12 जो डैशबोर्ड का कॉन्सेप्ट बताऊंगा, उसको कोई जरूरत नहीं कि एक ही डैशबोर्ड के अंदर सब घुसेड़ देना है, एक ही में सबको यूज नहीं करना है। आप देखोगे कि डेटा की नीड क्या है, डेटा के नीड के हिसाब से चार्ट का यूज करो, डेटा के नीड के हिसाब से ट्रैफिक सिग्नल का यूज करो, डेटा के नीड के हिसाब से ये स्पेन बॉक्स का यूज करो, डेटा के नीड के हिसाब से आपको ये वाला ऑप्शन यूज करो, इस तरीके से आप यूज करेंगे। कोई डाउट? एक डैशबोर्ड और हम लोग पढ़ेंगे अभी। चेहरा क्यों सुकुरा रहे हो, मतलब ज्यादा हो गया? नहीं, एक एक करेंगे तो 10 दिन लग जाएगा डैशबोर्ड खत्म करने में, एक दिन में 3-4 कम से कम। पहले दिन तो एक किया था क्योंकि वो पढ़ाया कम और आप लोगों का पोल खोला ज्यादा, नहीं कि भाई वी लुकअप भी नहीं आता है मैक्सिमम लोगों को, इंडेक्स नहीं आता है, लेकिन ऐसा नहीं कि नहीं आता है, बस प्रैक्टिस नहीं करते हो इसलिए सोच नहीं पाते हो। रियल टाइम में डेटा में जब आप काम करेंगे तो थोड़ी ना वहाँ पे आपके साथ हम बैठेंगे, वहाँ तो आपको खुद डेटा के हिसाब से डिसीजन लेना होगा, तो आपकी प्रैक्टिस जरूरी है, बाकी सब कुछ समझ में आता है, सब कुछ बनाया है।
एक छोटा डैशबोर्ड है, छोटा सा डैशबोर्ड है जो एक और डैशबोर्ड में 10 मिनट में फटाफट बनाता हूँ। इस डैशबोर्ड को हम लोग नाम दे देते हैं, बनाएंगे तब बताएंगे, है ना। इस डैशबोर्ड को हम लोग नाम दे देते हैं बैटरी डैशबोर्ड। इसमें हम बैटरी इफेक्ट डालेंगे, ठीक है। बैटरी डैशबोर्ड, सो इसको भी रहने देते हैं, इसके साथ में थोड़े बैटरी बनाते हैं। इतना काफी होगा, लेकिन थोड़ा सा और जगह मिल जाए तो और अच्छी बात है। कोई डाउट क्या किया? लेकिन आप जब बनाओगे ना दो डैशबोर्ड तो पूरे स्टेप बनाना पूरा सब कुछ, ताकि एकदम से डैशबोर्ड खत्म होते होते तक हर स्टेप। ऐसा नहीं कि पहला दिन तो सर मैंने ये स्पिन बटन लगा दिया था उसके बाद तो मैं कॉपी पेस्ट करता रहा तो भूल गए, ऐसा नहीं। इसीलिए रोज आप चार दिन, अभी जब तक डैशबोर्ड चलेगा चारों दिन आपको ये बटन्स यूज करने हैं। चारों दिन आप हेडिंग दोबारा बनाओ, चारों दिन अलग अलग तरह का फॉर्मेट यूज करो ताकि आपको पूरी कमांड हो जाए। देखिए मैं एक बड़ा सिंपल सा काम कर रहा हूँ, एकदम इमीडिएट जहाँ डेटा हो वहाँ पे नहीं, एक दो छोड़ के कहीं पे इक्वल्स टू दिस करेंगे क्या होगा, सेम ही नंबर आ जाएगा, है ना, सेम नंबर आ जाएगा। बट सेम नंबर नहीं लाना है, डिवाइडेड बाय 100 करना है। तो डिवाइडेड बाय 100 करो तो वो पॉइंट में वैल्यू आ जाती है। जब पॉइंट में आ जाए तो देखो एक सिंबल आपको दिख रहा है परसेंटेज का, तो ऐसा स्टेप करने से उस वैल्यू को उस वैल्यू का परसेंटेज वैल्यू दिखेगा। इतना बात समझ में आए? बस हो गया। इसको सेलेक्ट करना है, इंसर्ट में चार्ट तो जानते ही हो, इस बार आपको कॉलम चार्ट नहीं, कॉलम चार्ट ही लेना है बट क्लस्टर चार्ट नहीं। एक होता है आपका स्टैक चार्ट, सेकेंड वाला, ये वाला चार्ट, ये वाला लेना और इसको क्या करना ऐसे करके छोटा करना, इतना छोटा करना ताकि ज्यादा से ज्यादा ये इतना जगह में एडजस्ट हो जाए। बात समझ में आए? इतना कर लोगे या नहीं? Yes. इतना तो कर ही लेंगे। ये देखिए ये जो चार्ट टाइटल है, इतना बड़ा टाइटल है, ये चार्ट टाइटल का हम जैसे हमेशा हटाए हैं इसमें से भी हटा देंगे। ये जो वन लिखा है एक की वैल्यू था ना उसी का ये वैल्यू देख रहा है, इसको भी आप हटा दो। जैसे हमने बताया था कि अभी 60 है तो 70 के हिसाब से बन गया, और ब्रजेश का 54 है तो 60 के हिसाब से बन गया, आदेश का कुछ और बन जाएगा। तो इस वैल्यू को चेंज करना हमने फिक्स करना बताया था प्रेरणा, कैसे करेंगे जरूर आपने किया होगा। इस वैल्यू को फिक्स कैसे करते हैं? इसी पे राइट क्लिक करके देयर इज ए ऑप्शन कॉल फॉर्मेट एक्सिस, और यहाँ पे मिनिमम में 0 कर देंगे और मैक्सिमम में कितना जब परसेंटेज में होता है तो 1 करते हैं, वैल्यू में रहता है 100 करते हैं। जैसे पीछे वाले केस में 100 किया था, यहाँ पे 1 करेंगे, 1 मतलब 100 हो गया। और इसकी साइज छोटी कर लो, बहुत बड़ा जगह ले रखा है इसमें, बोल्ड भी कर लो, थोड़ी विजिबिलिटी भी होनी चाहिए। अभी भी हमें लगता है कि थोड़ी जगह की जरूरत है इसके लिए, इसलिए मैंने देखो अभी 170 से 160 का जूम कर दिया, यानी जूम कम करेंगे तो हमें जगह ज़्यादा मिल जाएगा, बट अब सफिशियंट है, अब हम नहीं करेंगे कुछ। अब आइए, चार्ट तो पड़े हो, इसको बोलते हैं डेटा पॉइंट, याद है। डेटा पॉइंट पे राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखो एक गैप भी होता है जिसमें जितना गैप बढ़ाओगे उतना ये पतला होता जाएगा और जितना कम करोगे उतना मोटा। तो मैं कम करके बिल्कुल 0 कर दिया ताकि इस वॉल से इस वॉल को टच कर गया ये, ठीक।
इसके बाद ये जो चीज है इसको हमें फॉर्मेटिंग करना है। तो नॉर्मल फिल तो सॉलिड फिल तो है ही, हम ग्रेडियंट फिल का यूज करेंगे। ग्रेडियंट में आपके पास चुनने का ऑप्शन है, कोई भी कलर चुन सकते हो, मैं ग्रीन चुनना। आप ध्यान से देखो, नीचे डार्क है ऊपर लाइट है, यहाँ पे डायरेक्शन का ऑप्शन होता है। यहाँ पे डायरेक्शन में आपको लेफ्ट राइट वाला कॉम्बिनेशन में से कोई भी आप एक ले लो। देखो अब डार्क लेफ्ट में है, इधर राइट में। अब इसको भी हम मॉडिफाई कर सकते हैं। देखो ये जो पार्ट है, ये पार्ट पे क्लिक करेंगे तो देखो ये कलर पकड़ता है, ये पार्ट पे क्लिक करते तो ये करता है, ये करते तो ये करता है। ये जो सबसे लाइट कलर है यहाँ पे जाके ब्लैक कलर का सिलेक्शन कर लेना, और ये जो बीच में देख रहे हो उस पे जाके व्हाइट कलर का सिलेक्शन कर लेना। बोले वो क्यों? वो इसलिए कि बैटरी बैटरी टाइप का दिखना भी तो चाहिए, सिलेंड्रिकल शेप में आपको दिखेगा ये। ठीक है, इधर का काम खत्म। अब आप इंसर्ट में जाओगे, एक शेप लोगे। शेप पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? पढ़ा ही होगा क्या? नहीं पढ़े? पढ़े तो डरा देते हो। राइट क्लिक करेंगे, फॉर्मेट शेप में जाएंगे सेम, और जैसे ही ग्रेडियंट क्लिक करेंगे देखो सेम ही कलर पकड़ लेता है, आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। यानी कि इसको हम इसके बेस में सेट कर देंगे, और एक और इसकी कॉपी बनाया और इसको इसके टॉप में सेट कर देंगे, एक और कॉपी बनाएंगे और इसका बना देंगे नॉब टाइप, इसको डाल देंगे यहाँ पे। और ये जो ये है, याद है ना, ये क्या चीज है? हमारा प्लॉट एरिया। प्लॉट एरिया का कलर आप कोई भी डाल दो ग्रे कलर से। देखिए आप थोड़ा सा कहानी पे ट्विस्ट। आपको याद होगा कि इस पे हम वैल्यू भी शो करवा सकते हैं ऐड डेटा लेवल करके, यानी कि जिसकी जितनी परसेंटेज है उतना पे हमारा ये दिखता है। तो देखिए कितना खूबसूरत इफेक्ट दिख रहा है आपको। बट एक चीज ये थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, इसको भी कर देते हैं ग्रेडियंट। जैसे ग्रेडियंट सेलेक्ट करोगे तो वो हो जाएगा सेम, तो खाली और भरा हुआ दोनों आपको बराबर हो जाएगा। तो ध्यान रहे कि ये जो ग्रीन वाला पार्ट था इसको कर दो रेडिस या रेड कर दो, और ये जो ब्लैक वाला पार्ट है इसमें थोड़ा सा स्लाइटली चेंज कर दीजिए कलर, स्लाइटली एकदम थोड़ा सा, जिससे कि थोड़ा डिफरेंस पता चले। ये दोनों कलर में शेड में पता चल रहा है। अब ये लगा लो आपका, अब लग रहा है कि इतना एरिया हमारा बैटरी में खाली है और इतना भरा हुआ है, तो जितना भरा है वही आपकी परफॉर्मेंस है। कुछ समझ में आया? तो पूरा का पूरा खेल देख रहे हो कि इर्द गिर्द जो हमने पहले पढ़ा है अब उसी को एकदम से इम्प्लीमेंटेशन लेवल पे ले जाके यूज कर रहे हैं। अच्छा, इस तरह का डैशबोर्ड बना के मेरा एक स्टूडेंट है जो HCL में है, उसने सारे 6 लाख के पैकेज को 14 लाख ले गया विद इन 3 मंथ्स में। उसने जितने प्रोजेक्ट्स थे सारे प्रोजेक्ट पे ये सारा चीज लगा दिया, और HCL के ग्लोबल प्रोजेक्ट टीम आज भी उसके अंदर लगभग 3000 से ज़्यादा लोग काम करते हैं ग्लोबल प्रोजेक्ट टीम में, और सारे लोग यही डैशबोर्ड यूज करते हैं। और ये इम्प्लीमेंटेशन हमने करवाया था 2018 में, आज भी यही सब यूज करते हैं HCL जैसी बड़ी कंपनी। और आप बहाने में दिमाग लगाते हो, कौन सा बहाना सॉलिड लगाएं कि सर एकदम सेटिस्फाइड हो जाएंगे, नहीं? तो ये आपको कितना अच्छा लग रहा है ये मायने नहीं लगता है। मायने ये लगता है कि जब आप बना के बॉस के सामने प्रेजेंट करोगे उनको अच्छा लगता है तो हो सकता है सुपर। HCL जैसी बड़ी कंपनी में जब ये चीज़ें इम्प्लीमेंट हो सकती है, ये चीज़ें इम्प्लीमेंट हो सकती है, तो आप क्यों नहीं इम्प्लीमेंट कर सकते हो? जो बंदा इम्प्लीमेंट किया था विजय रावत, उसकी सैलरी डबल हो गई थी विद इन 3 मंथ्स। अच्छा, एक लड़का एक है, नाम भूल गया कंपनी का, वहाँ पे एजेंट था यही डेटा कुछ, उसको नाम दिया गया, कोई पोजीशन का नेम था MIS एजेंट या एग्जीक्यूटिव नहीं था, कुछ एजेंट बोला जाता है उस कंपनी। तो उसकी 17,000 के करीब सैलरी थी, बिगनिंग लेवल पर ही था वो, लेकिन 2 साल से 1.5 साल से काम कर रहा था।
उसने क्या किया कि अपने सारे रिपोर्ट्स के ऊपर डैशबोर्ड में ये सारी चीजें ऐड कर लिया और उसकी सैलरी सीधे उसको टीम लीडर बना दिया गया था। लगभग 40-50 लोगों के ऊपर उसको बिठाया दिया गया था, उसकी सैलरी 40,000 रुपये, यानी 17 से 40 हो सकता है ये सब हरे पीले लाल बत्ती जलाने से। सवाल जलाने का नहीं, सवाल प्रेजेंटेशन का है कि आप इस चीज़ को कितना बेहतर तरीके से प्रेजेंट करते हो। तो आप में देखा कि आपको एक ट्रैफिक सिग्नल भी हो गया और एक आपकी बैटरी डैशबोर्ड भी हो गई। ये साइड में जो, हाँ ये तो जान के रखे हैं कि थोड़ा ठीक लग रहा है। अच्छा कोई नहीं, हटा दो, हटाने के लिए हाँ हाँ क्यों नहीं कर सकते, यहाँ पकड़िए और डिलीट मार दीजिए। अब डिलीट मारोगे तो ये तो जगह ज़्यादा, बैटरी आपका बैटरा बन गया, तो इसको थोड़ा सा, वो पेंसिल बैटरी था, ये वो वाला था जो टॉर्च में हम लोग बचपन में जलाते थे, ये वाला बैटरी तो जल्दी मिलेगा भी नहीं मार्केट में, नहीं तो इसके लिए थोड़ी सी मेहनत और करनी पड़ेगी। ये बैटरा बन गया, जलाओ, तो 3 सेल वाला 5 सेल वाला बैटरी वो आता था टॉर्च, वो वाला बन गया बैटरा, तो काफ़ी खूबसूरत है। अब ये डिपेंड करता है कि ये वाला अच्छा लग रहा है या पहले वाला अच्छा लग रहा है। तो जैसा आपको अच्छा लग रहा है वैसा आप यूज कर सकते हो और आप दिखा सकते हो अपना इसमें। ठीक है, बैटरी तगड़ा है तो इसका बेस भी तगड़ा दोगे तब अच्छा लगेगा। जब वो बड़ा हो गया, जगह हमारे पास ज़्यादा हो गया, तो इसको हम बोल्ड भी कर सकते हैं या साइज भी थोड़ा सा और इंक्रीज कर सकते हैं। अब ये 7:2 ऐसे दिख रहा है, तो ये जो चीज़ है ना, इसको ऐसे बढ़ा दो और सेंटर में कर दो, सेंटर में ऑलरेडी है ये। देखा, कंट्रोल एस और आज की कहानी